इटावा बस दुर्घटना के बाद जिला परिवहन अधिकारी रितेश तिवारी ने विभाग की टीम के साथ रेहटी में वाहनों की चेकिंग शुरू की। इस दौरान 50 से अधिक वाहनों की जांच की गई। इसमें 15 वाहनों के चालान काटे गए। इस वाहन से लगभग 30,000 का समन शुल्क वसूला गया। वहां चेकिंग के दौरान एक बस का फिटनेस भी निरस्त किया गया है। जांच के दौरान वाहनों का फिटनेस टेस्ट सर्टिफिकेट लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेजों की जांच की गई। सवारी वाहनों की जांच में बस के अंदर फास्ट एड बॉक्स, बैठने की जगह सहित अन्य जांच भी की गई। अभी हमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है कार्रवाई करते हुए। अभी हमने लगभग 15 से 20 बसों की चेकिंग की है और बसें देखने में आ रहा है, जो भी जन हानि कल हुई है, जो दुर्घटना हुई है, उसके परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कि जैसे बसों में इमरजेंसी गेट का क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट एड बॉक्स है कि नहीं, फायर एक्सटिंग्विशर है कि नहीं, इमरजेंसी गेट के पास सीट तो नहीं लगी है, विकलांगों के लिए जो आरक्षित करनी है 1 से 5 नंबर सीट, ये प्रॉपर है कि नहीं, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चेकिंग की जा रही है। और अभी हम लोगों ने लगभग 10,000 रुपये से ऊपर की चालानी कार्रवाई कर चुके हैं और एक बस का फिटनेस भी कर चुके हैं। वो बहुत स्थिति उसकी जर्जर और आगे भी निरंतर ये कार्रवाई जारी रहेगी।